क्या ब्रह्मांड में किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन का होना पॉसिबल है? क्या एलियन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं? सोवियत एस्ट्रोनॉमर द्वारा पेश की गई एक थ्योरी आपको यकीन दिलाएगा कि वो मौजूद हैं। सो बने रहें इस वीडियो में, क्योंकि हम ये भी जानेंगे कि ऐसे सिविलाइजेशन की खोज हम कैसे कर सकते हैं। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इन्फोसिस चैनल में। सोवियत एस्ट्रोनॉमर निकोलाई कार्डाशेव के मुताबिक ऐसे सिविलाइजेशंस के अस्तित्व को इस थ्योरी से मुमकिन बनाया गया है कि धरती पर जीवन ब्रह्मांड के उम्र के मुकाबले हाल ही में है। यूनिवर्स के निर्माण के लगभग 9.2 बिलियन ईयर्स बाद अर्थ का निर्माण हुआ, जबकि हमारा सोलर सिस्टम लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पुराना है। इंसान या हमारे सबसे पुराने पूर्वज धरती में लगभग 6 से 7 मिलियन साल पहले प्रकट हुए थे। हालांकि ब्रह्मांड में ऐसे कई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं जो 10 से 14 बिलियन साल पुराने हैं। इस बात से ये क्लियर है कि दूसरी सिविलाइजेशंस हमसे कई गुना पुरानी हो सकती है। कार्डाशेव ने कॉस्मोलॉजिकल टाइम स्केल पर लाइफ की अपीयरेंस के लिए कंडीशंस को एग्जामिन किया। पृथ्वी पर लाइफ की एवोल्यूशन की रेट को मानते हुए और ब्रह्मांड की उम्र को ध्यान में रखते हुए ये मानना उचित है कि एक सिविलाइजेशन 6 अरब वर्षों में हमारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लेवल तक पहुंच सकती है। ऐसी सिविलाइजेशन हमारे नियर बाई रीजन्स में देखी जा सकती है, क्योंकि हम जितनी दूर देखते हैं ऑब्जेक्ट्स उतनी ही यंग होती है। तो सवाल ये उठता है कि हम अभी तक किसी एलियन सिविलाइजेशन की खोज क्यों नहीं कर पाए हैं। इसका जवाब देने के लिए सोवियत एस्ट्रोनॉमर हमें याद दिलाते हैं कि हमारी सिविलाइजेशन काफ़ी यंग है, ताकि हम दूसरी सिविलाइजेशन से संपर्क कर सकें जो निश्चित रूप से हमसे ज़्यादा एडवांस होंगी। जब हम इन सुपर सिविलाइजेशन की खोज करते हैं तो हम ऐसे रेफरेंस पॉइंट अपने डेवलपमेंट लेवल का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम केवल ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे स्तर के करीब की सिविलाइजेशन कैसी दिख सकती है, जबकि जो मोर एडवांस्ड हैं वे हमारी इमेजिनेशन से परे हैं। कार्डाशेव का मानना है कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि एक सुपर एडवांस सिविलाइजेशन ने शायद पहले से ही हमें कॉस्मिक साइज टेलीस्कोप के जरिए देख लिया होगा। उन्होंने तर्क दिया कि इन सिविलाइजेशन का ज्ञान हमसे अधिक है और उन्हें निश्चित रूप से पता होगा कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन ज़ू हाइपोथेसिस के मुताबिक उनके पास हमसे संपर्क करने के लिए एथिकल रीजंस हो सकते हैं। क्या फ्यूचर में हम किसी ऐसी एलियन सिविलाइजेशन का पता लगा पाएंगे जो हमसे भी ज़्यादा एडवांस्ड हो? जब हम टाइप 2 सिविलाइजेशन या उससे ऊपर तक की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तक पहुँचेंगे तो हमारा ब्रह्मांड की खोज आज के प्रयत्नों से बिल्कुल अलग होगा। अल्ट्रा पावरफुल टेलीस्कोप, नियर लाइट स्पीड प्रोब्स, एडवांस्ड AI और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे अत्याधुनिक तकनीकों से लैस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को डिस्कवर करने की हमारी खोज मिल्की वे और शायद अन्य गैलेक्सीज के गहराई तक जाने के लिए तैयार होगी। एक्सप्लोरेशन का ये लेवल हाईली एडवांस्ड एलियन टेक्नोलॉजीज के संकेतों का खुलासा कर सकता है, जैसे कि स्टार्स को घेरने वाले मेगा स्ट्रक्चर्स, लार्ज स्केल कॉस्मिक इंजीनियरिंग का एविडेंस या फिर फंडामेंटल कॉस्मिक फिनोमेना का मैनिपुलेशन। एलियन सिविलाइजेशंस की खोज शायद टाइप 3 लेवल पर या उससे ऊपर तक जो पूरे गैलेक्सीज की एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ना सिर्फ मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण होगा बल्कि ब्रह्मांड की हमारी समझ में भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा। ऐसे एडवांस्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स की खोज हमारे ब्रह्मांड में हमारी मौजूदगी को दोबारा से विचार करने का कारण होगा। हम एक ऐसे सिविलाइजेशन से मिलेंगे जो हमारे समझ से परे तकनीकियों और ऊर्जाओं का माहिर है, जो ना केवल हमें विनम्र बनाएगी बल्कि ब्रह्मांड में क्या क्या संभव है इसके बारे में हमारी समझ का भी विस्तार करेगी। ये एक स्पष्ट संकेत होगा कि हमारी वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति हमारे लिए जितनी महत्वपूर्ण है, कॉस्मिक टाइम और स्पेस के ग्रैंड स्केल पर जो हासिल किया जा सकता है उसका एक अंश मात्र है। ये एहसास हमारे उम्मीदों को ब्रह्मांड में टाइप 3 सिविलाइजेशन के दर्जे तक पहुंचने के लिए मजबूत करता है। हालांकि उत्साह और जिज्ञासा के साथ साथ हाईली एडवांस्ड सिविलाइजेशन की खोज सावधानी की भावना भी लाएगी। ऐसी शक्तिशाली संस्थाओं के इरादे और नैतिकता पर सवाल उठेंगे। ऐसी सिविलाइजेशन से संपर्क करने या उनका ध्यान आकर्षित करने से संभावित जोखिमों पर विचार करना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर उनके इरादे या बातचीत के तरीके हमारे साथ मेल नहीं खाते हैं तो उनकी क्षमताएं हमारे अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर सकती है। सो फ्रेंड्स, कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टाइप 1 से टाइप 8 सिविलाइजेशन के ऊपर एक वीडियो बनी है,
आप उसे भी जरूर देखें। मिलते हैं नए वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।